आपने होटल भी खोल लिया ये उसी टाइम की बात है कि आप होटल चला रही थी ओन कर रही थी और लिया में बड़ा मशहूर होटल था खाने का फास्ट फास्ट फूड फूड भी था उसका क्या एक्सपीरियंस है रोटियां वोटियाँ खुद लगा रही थी तंदूर में क्या कर रही थी नहीं थे तो शेफ और बात तो काउंटर पे आप बैठती थी काउंटर पे मैं बैठ गल्ले में लेकिन मतलब इस बात को भी शायद लोग बिलीव नहीं करेंगे बहरअल उसका बताएं एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस खाने के काम में जादू बहुत है खाने के काम में जादू बहुत है जादू समझा लें जादू तो हर जगह है काला इल्म वगैरह आपका काम बंद कर देना नजरबंदी करवा देना आप इस चीज अच्छा, पे बिलीव रखती हैं कि आई डोंट बिलीव आई डोंट बिलीव लेकिन मैं पर्सनली ये चीजें भुगत चुकी हूँ पर्सनली ये चीजें मैं भुगत चुकी हूँ अच्छा जी और मैं नहीं मानती थी तो 11 साल गुजर गए थे मुझे 11 साल मैंने इस कंडीशन में पहुंचा और जब मैं यहां से भेजी गई हूं कि आपका इलाज हमारे पास नहीं लाहौर में है बाबा सिराज दिन अल्लाह जन्नत तसीब करे उनको पर्दा फरमा गए हैं वो उन्होंने मेरा बाईस आदमी निकले थे किस चीज से ये अमलियात के हवाले से अच्छा ये आप रोकना आपके काम को रोका गया आप तो मुझे बताओ ताज़ा चिकन आ रही है सही है मैरिनेट हो रही है और उसके बाद आ, ब्रोस्ट आ, आ, वो बिल्कुल ठीक जा रहा है घर से लोग लेकर आ रहे हैं तो उसमें कटे हुए बाल पड़े हुए और कीड़े चल रहे हैं अच्छा जी लोगों की शिकायतें आ रही है ले, वो लेकर आते थे बाकायदा नहीं ये वहां की भी दो नंबर ही हो सकती है ना ना मैं मौजूद थी ना मेरे सामने हर चीज बन रही है एक एक दफा हो ना फिर दूसरी बात यह है कि लोग कैसे से हम तो ये बराबर बराबर में ही दुकान थी हां उनकी वो कबाबिश कबाबी क्यू का था और मेरा ये सारी डिशे वगैरह अच्छा जब थे मेरी 52 आइटम्स थे अच्छा इसमें फास्ट फूड भी था सालन वाला आइटम भी था बिल्कुल एवरीथिंग एवरीथिंग बारबेक्यू भी था भी सब कुछ था रोटियां शॉटियां हर चीज मुकम्मल एक पैकेज मैंने वहाँ पे पब्लिक कितना टाइम चला है ये रेस्टोरेंट ये तकरीबन फोर इयर्स अच्छा इसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना है प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है लेकिन जब आपका काम ही रोक दिया जाए जो लोग मतलब आके कहें कि जी हमें तो आपकी दुकान नजर ही नहीं आई अच्छा तो ये नजरबंदी के बाद में जब लेकिन कहा जाता है थिएटर में ड्रामों में आपके खाने जाया जा... करते थे खाने वहाँ से आपके होटल से खाने पक पक के और ये वो नहीं ऐसा नहीं है नो 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 कि पूरे पूरे नहीं नहीं उस वक्त तक तो मैं स्टेज खत्म कर चुकी थी और मैं ये जिंदगी ये कर रही थी अच्छा 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 आप टीवी पे चली गई सही स्टेज तो मैंने खत्म ही कर दिया था उस वक्त सबसे नापसंदीदा कॉमेडियन बताए जो आपको मिजाज से नहीं आइटमों से ठंडा लगता होगा यार ये बहुत नकली है छोड़ यार हां छोड़ अच्छा दे, सबसे अच्छा कॉमेडियन बहुत बड़ा नाम है, है? वो जिसको मतलब जिसको इज्जत अल्लाह दे ना उसको मानो भाई हां बस यही बात है सबसे अच्छा कॉमेडियन सबसे अच्छा इस वक्त की बात करें तो उमर है? के बाद ये, मतलब उसके हवाले जी से बात वही पूरा वो तो उमर और वगैरह वो तो उनको तो आप छोड़ देना वो तो एक उमर तो एक जिन था वाह मुइन अख्तर ने उसके लिए बड़ी अच्छी बात की थी कि लोग दिमाग से सोचते हैं उमर शरीफ जबान से सोचता है इससे अच्छा ट्रिब्यूट मैं नहीं समझा खुद भी बड़ा लाजवाब किस्म का हालांकि देखो वो उमर शरीफ नहीं था वो दस जुमलों के बाद उसका कोई एक जुमला आता था और कमाल आता था इंतहाई ठंडे मिजाज से काम किया करता था मुइन में हबड़ दबड़ बिल्कुल नहीं थी आके खड़ा होके बड़ा सोफिस्टिकेटेड बड़ा डिसेंटली वो एक्ट किया करता था मुइन का एक्टिंग बिल्कुल जी 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 बिल्कुल एक अलग डोमेन थी कैटेगरी अलग थी है। सही है। आज के जो फी जमाना अगर मैं देखूं तो उसमें जो थोड़ा सा मुझे करंट नज़र आता है और एक अजीब सी बात नज़र आती वो शकील सिद्दीकी है